In this video, we are going to study about the cold creams. There are two types of creams that we are going to study. First is the cold cream and next is the vanishing creams. अब हमें पता है कि ये जो हमारे creams हैं, these are mostly emulsions. ठीक है, तो ये जो हमारे emulsions होते हैं, हमें पता है two types के होते हैं, या तो oil in water या तो water in oil. ठीक है, अब ये जो हमारे इमल्शंस हैं ये क्या होते हैं? इमल्शंस हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ ऑयल एंड वाटर. जब हमें पता है हमारे ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं हो सकता, पर जब हम उसमें इमल्सीफायर की हेल्प से उनको आपस में मिक्स करवाते हैं और तो हमारा एक फॉर्मुलेशन बनती है, हम उसे बोलते हैं क्रीम. ठीक है, मतलब क्रीम हमारा एक सॉर्ट ऑफ ऑयल एंड वाटर इमल्शन होता है. उसके बाद अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हमारा जो प्रिपरेशन है उसमें ऑयल ज़्यादा हो और वाटर कम हो, या फिर वाटर ज़्यादा हो ऑयल कम हो. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने जो हमारे इमल्शन है उनको क्लासिफाई किया है. अब जो हमारी कोल्ड क्रीम्स होती हैं, अगर हम खुद से सोचें तो हमारी कोल्ड क्रीम्स बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर की होती हैं और वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं. तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो कोल्ड क्रीम्स है उसमें ऑयल फेस ज़्यादा है. ठीक है, ऑयल फेस उसमें ज़्यादा है और वाटर फेस कम है. तो जो हमारे इमल्शंस होंगे, तो जो हमारे कोल्ड क्रीम्स होंगे वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस होंगे. ठीक है, तो कोल्ड क्रीम्स आर द इमल्शंस ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप विच आर यूज्ड एज मॉइस्चराइजर्स, मेकअप रिमूवर्स एंड क्लेंजर्स. तो हमारी ये जो कोल्ड क्रीम्स हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज मॉइस्चराइजर्स एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ देम एज मेकअप रिमूवर्स एंड क्लेंजर्स. ठीक है, अगर हम उस पर अगर हम टिश्यू पेपर लें उस पर हम लगा अपनी कोल्ड क्रीम लगा के अपना मेकअप रिमूव करें तो ईजिली रिमूव हो जाएगा. The principle of cold cream involves slow evaporation of water phase which leads to cooling sensation. तो इसका mechanism यह है कि जब हम अपने hand पे या फिर अपने skin पर cold cream apply करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा water है skin पे वो evaporate हो जाएगा, जिसकी वजह से cooling sensation मिलता है और हमारे skin को hydration होता है. An ideal cold cream should be non-sticky. It should have optimum pH that is between 4.6 to 6, attractive in appearance. It should be non-irritant and it should give a cooling effect. These are the ideal properties of a cold cream. But we need to make sure कि हमारी जो कोल्ड क्रीम है हमें स्किन टाइप बहुत वाइसली चूज़ करना है. अगर हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें हमारी क्रीम्स चूज़ करनी होंगी. ठीक है, अगर हमारी स्किन ऑयली है और हम उस पर कोल्ड क्रीम अप्लाई कर लेंगे तो इट विल बी डिज़ास्टर्स फॉर इट. ठीक है, क्योंकि उसमें ऑयल फेस बहुत ज़्यादा है और जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्ने इशूज़ हो सकते हैं स्किन पर. ठीक है, नाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स इंक्लूड, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखिए. ठीक है, तो आप जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमने इमोलियंट यूज़ करे, व्हीकल ऐड करा या बफर, ये जो आपके इसको आप बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन करके और एक एक एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं. अगर आपसे फॉर्मुलेशन पूछी जाएगी तो फिर आप इंग्रेडिएंट लिख के और वो हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है ये प्रॉपरली लिखेंगे. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमसे एग्जाम में पूछा किस तरह से गया और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना है. ठीक है, तो द इंग्रेडिएंट्स आर White beeswax, that is an emollient, 20 gram, mineral oil, that is a lubricant, 50 grams, distilled water, it will be acting as a vehicle, 28.8 gram, borax, it will be acting as a buffer, that means it will resist the change in pH, 0.7 gram, perfume for the odor, ताकि अच्छी fragrance हो, to enhance the customer acceptance, 0.5 gram, ठीक है? The advantages of cold creams include, it is convenient and easy to apply. Mostly, क्या होता है cold cream में, एक container होता है, उसे हमने open करा, creamly लगा ली और ख़तम. ठीक है, कोई भी apply कर सकता है. इट इंक्लूड नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब इसको कुछ भी हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट ऐसा नहीं होना पहले लीवर में जाए फिर वो मतलब उसको चेक करे या पास करे फिर हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इसमें कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, कोई इसमें ऐसा बड़ा रिस्क नहीं है एंड इट हैज़ अ वर्सेटाइल यूज़. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, द प्रोडक्ट इन जार में बिकम मेसी एंड क्लमजी इफ हैंड्स आर नॉट क्लीन. अगर हमारे हैंड्स क्लीन नहीं है और हम हैंड मतलब ऐसे कंटेनर खोल के अपने हाथ से निकाल लेंगे क्रीम, तो उसको उस क्रीम में कोई भी मतलब हमारे हाथ से माइक्रोब्स या फिर कुछ भी डर्ट वगैरह जा सकती है, जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन हमारी ख़राब हो सकती है. दे मे क्लॉक पोर्स एंड इंक्रीज एक्ने, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, दैट वाज इट, जिनकी ऑयली स्किन है उनके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो सकते हैं और एक्ने इशू बढ़ सकते हैं. दे हैव क्वाइट हैवी कंसिस्टेंसी, इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और थिक होती है ये कंपैरेटिवली. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल्ड क्रीम.